हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग बढ़िया कैसी एंजॉय कर रहे है? हैं छुट्टियां आप लोग बढ़िया बच्चों हम लोगों ने हमारे लास्ट जो वीडियोस बनाए थे उसमें हमने हमारी टर्म वन बुक कंप्लीट कर ली थी यहाँ आपके लिए हम नई बुक लेकर के आए हैं देट इज़ फॉर टर्म टू सो बच्चों इस बुक को आप ध्यान से देखेंगे आप लोगों के पास होगी बड़ी ही इंटरेक्टिव बुक लग रही है है ना दिस इज मैथ्स मैग्जीमा टर्म टू इज इन ब्लू इन कलर

हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं उसे हम लाइन्स कहते हैं लाइन्स कैन बी स्ट्रेट कर्व लाइन्स कैसी होती हैं? या तो स्ट्रेट लाइन्स होती हैं, या फिर कर्व लाइन्स होती हैं। स्ट्रेट लाइन्स को हम स्लीपिंग लाइन्स स्टैंडिंग लाइंस या स्लैंड लाइंस से देख जानते हैं और कर्व लाइंस कर्व फॉर्म में होती है कैसे भी आप इसमें कर्व ड्रॉ कर सकते हैं फाइन सो so, एक छोटा सा रिवीजन करते हैं यहाँ पर ट्रेस द पाथ टू गाइड दीज एनिमल्स राइट सी फॉर कर्व एंड एस फॉर स्ट्रेट लाइन इन द ब्लैंक प्रोवाइडेड टू यू यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन सी है है ना ये स्टैंडिंग है ये स्लीपिंग है कुछ इस तरीके से जिक पैटर्न में यहाँ पर ये फ्रॉग जो है इस पॉन्ड तक पहुंचना चाहता है So, हमें यहाँ पर क्या लिखना है एस वाई क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइंस ही हैं बस आपको स्टैंडिंग लाइन्स में दी हुई है स्टैंडिंग या फिर स्लीपिंग लाइन्स में है ठीक है तो हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन्स का पैटर्न समझ में आ रहा है इसलिए हम इसको यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रेट एस फाइन अब आप पेज टर्न करिए टर्न पेज नंबर टू पर आइए वहां भी आपको इस टाइप के कुछ फिगर दिखेंगे आपको उस पर s for straight line and c for curve this is a bird and going to nest so on the tree so its path is is in form of curve so write c here this is a bus going to school in a straight manner straight line so write s here fine now let us understand let us learn More about the straight lines. Straight lines. A straight line is represented as like this. Fine. Arrows at both end of the line show that it can be extended to any length on both sides. ये arrow क्या show करता है? यहाँ जो arrow दोनों corner पे लगा होता है, ये क्या show करता है? हम इस line को कितनी भी दूर तक extend कर सकते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है? Now, a straight line can be of three types. A straight line कैसी होती है? Three types की होती हैं? स्लीपिंग लाइन और हॉरिजोंटल लाइन इसको हम स्लीपिंग लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन से जानते हैं ये स्टैंडिंग लाइन या वर्टिकल लाइन भी कहते हैं इसको और ये होती है स्लैंटिंग लाइन थोड़ी सी तिरछी फाइन इसलिए हम इसको स्लैंटिंग लाइन पढ़ते हैं ठीक है चलिए आगे देखते हैं ड्रॉइंग स्ट्रेट लाइन विथ अ रूलर दिस इज योर रूलर फाइन ये हम लोगों ने हमारे लास्ट बुक के अंदर देखे थे है ना ये रूलर है तो लेट अस लर्न हाउ टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन द हेल्प ऑफ ए रूलर और अ स्केल पुट द रूलर ऑन अ पेपर एंड होल्ड इट फर्मली विथ योर फिंगर्स अब आप आपके रूलर को पेपर के ऊपर रखें और उसको पकड़ के रखें फर्मली है ना अपने फिंगर से उसको दबाएं रन योर पेंसिल अलोंग द रूलर कीपिंग द रूलर फर्म विथ योर फिंगर्स जो आपने फिंगर से इस रूलर को दबा के रखा है फिर पेंसिल इसके एक पॉइंट से रख करके ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचेंगे ये है पेंसिल है नाउ रिमूव द रूलर एंड द पेंसिल अब आप रूलर और पेंसिल दोनों को हटा दीजिए यू विल सी अ लाइन दिस इज योर लाइन लाइन नाउ पुट ऑन बोथ द द ऑफ स्ट्रेट अब आपको यहाँ पर इस लाइन के दोनों और आपको एरो लगाना है द एरो दैट द लेंथ ऑफ द लाइन कैन बी इंक्रीज ऑन बोथ साइड ये ये शो करता है कि हम यहाँ से दोनों एंड से इसकी लाइन को और बढ़ा सकते हैं लेंथ को द लाइन ड्रॉन अबो इज अ अजोंटल और स्लीपिंग लाइन जो आपने ऊपर लाइन बनाई है वो किस टाइप की है horizontal या स्लीपिंग लाइन है सिमिलरली वी कैन वर्टिकल वर्टिकल एंड लाइन लाइन विद द हेल्प ऑफ रूलर ये मतलब आप आपका जो रूलर है उसको स्टैंडिंग पोजिशन में या वर्टिकल पोजिशन में रखेंगे और लाइन ड्रॉ कर दीजिए ठीक है तो आपको वर्टिकल लाइन मिलेगी अब आपके रूलर को आप थोड़ा सा तिरछा रखेंगे इस तरीके से और आपकी लाइन को ड्रॉ करेंगे तो वो एक स्लैंड लाइन होगी फाइन सो टर्न द पेज पेज नंबर फोर योर रिविजन टाइम सो रिविजन रूलर इन द बॉक्सेस गिवन बिलो टू हॉरिजोंटल लाइन्स टू ऑरिजोंटल लाइन को आपको ड्रॉ करने के लिए क्या करना होगा आपका रूलर रखेंगे और टू हॉरिजोनटल लाइन कैसी ड्रॉ होंगी लाइक दिस फाइन One एंड two फाइन Now टू वर्टिकल lines, वर्टिकल lines रूलर रख के आप draw कीजिएगा ये मैं आपको ऐसे ही सिर्फ बता रहा हूँ रफली आप रूलर रख करके इसको draw कीजिएगा तो आपकी लाइन परफेक्ट बनेगी टू slanting lines, तो slanting lines कुछ ऐसी बनती हैं है ना अच्छा ज़रूरी नहीं कि वो इसी डायरेक्शन में हो वो हो सकता है इस डायरेक्शन में भी घुमा करके बनाई जा सकती है है ना ठीक है स्लैंटिंग लाइन इसे भी कह सकते हैं तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी है ना नेक्स्ट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द लाइन एंड राइट एच फॉर हॉरिजोन वी फॉर वर्टिकल एंड एस फॉर दिस दिस इज इज फाइन तो राइट एच वर्टिकल सो राइट वी वीर दिस इज ऑल्सो वर्टिकल सो राइट वी हेर एंड दिस इज स्लैंटिंग सो राइट एस हेयर आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी चलिए एक एक्टिविटी और आई है इसमें हमें करना क्या है देखें ध्यान से काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स आपको नंबर ऑफ लाइन्स काउंट करनी है और ट्राइंगल ये क्या है ट्राइंगल है इसमें कितने लाइन्स है वन टू एंड थ्री सो राइट थ्री फाइन हाउ मैनी स्लाटिंग लाइन्स स्लाइटिंग लाइन्स कितनी है एंड एंड सो टू वन लाइन अच्छी एक्टिविटी है ना इसमें आपको ये चीज क्लियर हो रही है this is what this is a square right a square has four lines kidney lines a four is vertical lines kidney this is vertical lines so two vertical lines and two horizontal lines fine now what is here this is rectangle right eh? rectangle have opposite sides are equal fine so rectangle has four lines Two vertical lines, one and two, and two horizontal lines, one and this two. Fine. Now what? This is pentagon, right? Pentagon have five sides. One, two, three, four, and five. So a pentagon has five lines. How many slanting lines? One, two, three, four. Four slanting lines. And one horizontal line okay now what is it this is his hexagon hexagon has six lines one two three four five and six so hexagon has six lines how many slanting lines one two three and four four slanting lines and two horizontal lines fine a heptagon heptagon has seven lines one Two, three, four, five, six, seven. Seven lines. Slanting lines. How many slanting lines? One, two, three, four, five, six. Six slanting lines and one horizontal line. Okay, students. आई होप आप लोगों को ये एक्टिविटी भी पसंद आई होगी और आप लोगों को समझ भी आई होगी है ना चलिए ध्यान से इस वीडियो को अगर आपको एक बार और रिपीट करना है तो इसको वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हैं ठीक है देख लीजिएगा वीडियो चलिए टर्न करते हैं पेज यहां पर आपको लास्ट टॉपिक हम समझाने जा रहे हैं कर्ड लाइन अ कर्व लाइन इज अ टाइप ऑफ अ लाइन दैट इज नॉट स्ट्रेट बट इज लाइक अ वेव स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं होती है ये एक वेव की तरह होती है वी कैन ड्रॉ कर्व लाइन्स बाय हैंड विदाउट यूजिंग ए रूलर यहाँ आपको जो कर्व लाइन्स से बिना किसी रूलर को यूज किए बना सकते हैं हेल्प द बीज हेल्प हेल्प द एनिमल्स रीच देयर होम्स बाय ड्रॉइंग कर्व लाइन्स ये बी है इसको अपने हाइप तक जाना है सो so, अब वो कैसे तरह से जाएगा कुछ इस तरीके से ये आपको रूलर की जरूरत नहीं पड़ेगी है ना दिस इज बॉर्ड रेबिट रेबिट कैसे जाएगा ऊंचा उचक के जाता है जंप लगाता है सो लाइक दिस ओके तो रेबिट भी ऐसे जंप करके जाएगा कर्ड मैनर में अब आपको यहां ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है है ना ड्रॉ अ ट्री यूजिंग स्ट्रेट एंड कर्व लाइन यूज ब्राउन कलर टू ड्रॉ स्ट्रेट एंड ग्रीन फॉर कर्व फाइन तो आपको एक ट्री बनाना है जिसमें आप ब्राउन कलर का यूज करेंगे स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए और ग्रीन कलर का यूज करेंगे कर्व लाइन बनाने के तो एक अच्छा सा यहाँ सुंदर सा एक ब्यूटीफुल सा ट्री आप इसमें बनाएंगे ठीक है और ये आपकी लास्ट एक्टिविटी है इस चैप्टर की ऑब्जर्व द पिक्चर्स काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन्स फाइन यहाँ आपको इसको देखना है हट में कितनी ऑरिजोंटल लाइन्स हैं कितनी वर्टिकल लाइन्स हैं स्लैंटिंग लाइन्स कितनी हैं और कर्व लाइन्स कितनी हैं फाइन यहाँ इसी तरह ये आपको शेप दिख रहा है इसमें भी आपको यही करना है यहाँ काइट है और यहाँ पर ये यह पपेट है फाइन तो आपको इन सब में यही करना है ठीक है और ये एक्टिविटी आप करके रखेंगे और इसका फोटो खींच के आप व्हाट्सएप करेंगे ठीक है बाय बाय